हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा और साख का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। मुख्य रूप से आज हम देखेंगे कि जो लोन होता है, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, बैंक में किस तरीके से ऋण या लोन की एक्टिविटी चलती है, आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं, यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो हमने मनी के बारे में पढ़ा था, मुद्रा के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट के बारे में। और क्रेडिट को ही हम लोन भी कहते हैं, ठीक है। साख को ही है जो है हम ऋण के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे कि हमने जैसे कि आपके पिछले लेक्चर में ये देखा कि लोग हैं तो लोगों के पास जो होता है कुछ इनकम जो है वो उनको उनकी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होता है, तो वो जो होता है पैसे का यूज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो होता है उनके पास एक कुछ पैसे जो है वो एक्स्ट्रा उनके पास पैसा रहता है, तो वो एक्स्ट्रा जो मनी रहती है वो अपने पास नहीं रख के लोग जो है उसे बैंक में जमा कर देते हैं, ताकि बैंक में जो उनका पैसा जो है वो सेफ भी रहता है और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो इस तरीके से जो होता है कोई एक दो या 10 या कुछ 1000 लोग तो जो होता है बैंक में जमा नहीं करते, बल्कि करोड़ों की संख्या में जो है लोग अपना पैसा वो बैंक में जमा करते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बैंक जो होता है, जो इतने हजार करोड़ों जो पैसा लोगों से ले रही है, उस पैसे को जो होता है अपने पास क्यों रखती है और उस पैसे का वो करती क्या है। तो ये चीज जो होता है आज हम देखेंगे। तो क्या होता है कि बैंक जो है ना वो इन सब राशि को जो होता है जमा कर लेती है, अपने पास जो है जमा करती है, और उसके बाद जो होता है एक छोटा, मतलब बैंक जो होता है जमा रकम का एक छोटा हिस्सा ही अपने पास नगद के रूप में रखती है। यानी कि उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 50% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखती है। मतलब जितने लोगों ने जो पैसा जमा किया है उसमें केवल 15% हिस्सा जो है वो कैश के रूप में बैंक अपने पास रखती है। क्यों? मान लीजिए कि अगर आज मैंने पैसा जमा किया और कल मुझे पैसे की आवश्यकता हो गई, तो अगर मान लीजिए कि बैंक क्या करेगी कि 100, कम से कम अगर 100 लोग हैं है ना, तो उसमें से जो होता है वो कुछ लोगों का पैसा जो है वो, मतलब जो 15% हिस्सा होगा वो अपने पास रखेगी, ताकि अगर उन 100 लोगों में से 4 लोग, 5 लोग, 6 लोगों को अगर पैसे की आवश्यकता हुई और वो दूसरे दिन आकर बोले कि मुझे मेरा सारा पैसा दे दीजिए, तो बैंक के पास वो पैसे होने चाहिए ताकि वो उनको रिटर्न कर दे। तो इसलिए 15% हिस्सा जो होती है वो अपने पास रखती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बैंक 15% हिस्सा अपने पास रखती है तो बाकी का बचा हुआ जो 85% हिस्सा है वो कहाँ रखेगी? उसे किसी एक दिन में, देखिए क्या होता है कि बैंक जो है 15% हिस्सा जो है नगद के रूप में अपने पास रखती है, उसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है कि कुछ पैसे जो है उसे रखने हैं। लेकिन बैंक जमा राशि एक बड़े भाग के रूप में ऋण के लिए इस्तेमाल करती है। तो जो आपने माइंड में क्वेश्चन था कि 85% जो पैसा है वो कहाँ जाता है, तो वो बैंक क्या करती है, उसको लोन दे देती है। किसे? विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना बिजनेस जमाने के लिए या अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए बैंक पैसों की आवश्यकता होती है, या फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें कि मकान खरीदने के लिए लोन की आवश्यकता होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको कार खरीदने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती है लोगों को, जिसकी वजह से उनको ऋण की आवश्यकता होती है। तो ये ऋण आपको प्रोवाइड कौन करा रहा है? बैंक। बैंक जो होता है, जो लोग यहाँ पे पैसा जमा करते हैं उन पैसों का 15% हिस्सा जो होता है वो जमा वो बैंक अपने पास रखती है। बाकी का जो 85% जो होता है, जो भी जो पैसा होता है, वो जो है जो भी ऐसे लोग जिनको इसकी जरूरत होती है, उन्हें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, जो आर्थिक गतिविधियां करने के लिए जिन व्यक्तियों को इसकी जरूरत होती है, वो उसे लोन के रूप में दे देती है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, ठीक है, बैंक में जिनके पास जो होता है जो जमा करता है,
और जिन्हें राशि की जरूरत है यानी कि कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करती है, मतलब एक तरीके से इनके बीच मीडिएटर होती है कि इनके बीच वो लोग जो कि अपना सेविंग मतलब जो है कुछ हिस्सा बैंक में जमा करते हैं, और ऐसे लोग जिनको कि लोन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कौन करती है? बैंक करती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि बैंक जो होते हैं इससे बैंक को क्या प्रॉफिट होता है, बैंक कुछ पैसा जो है वो लोग वहां पे आ रहे हैं पैसा जमा कर रहे हैं और जिन लोग को आवश्यकता है उनको जो है बैंक ऋण दे रही है, लोन दे रही है, लेकिन इससे बैंक को क्या फायदा हो रहा है? बैंक को फायदा हो रहा है, देखिए बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। इसका क्या मतलब हो, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है। मान लीजिए कि बैंक आपके पास पैसा है और आपके पास कुछ सेविंग है, आप उस सेविंग को जाके बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। आपको बैंक जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी सेविंग पर आप अगर बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए उस पर आपको बैंक 5% का आपको ब्याज दे रही है, आपको इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट तो 5% दे रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पैसों की आवश्यकता है, उनको लोन लेने की आवश्यकता है, तो वो कहाँ आएंगे? वो भी बैंक में आए। अब बैंक लेके जब उनको लोन दे रही है तो उनपे इंटरेस्ट लगा रही है 8%, तो जो अगर 8 माइनस 5 करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है, तो जो 3% जो फायदा हो रहा है वो किसे हो रहा है? वो बैंक को फायदा हो रहा है। तो बैंक इस तरीके से अपना प्रॉफिट कमाती है। कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर, ये जो भी जो इसके बीच का डिफरेंस होगा, जैसे कि वो 3 रुपए मान लीजिए अभी आ रहा है, तो वो 3% जो होगा वो क्या होगा? वो 3% बैंक की आय का मुख्य स्रोत होगा, वो उसका बैंक का प्रॉफिट होगा। अब हम देखेंगे साख की दो विभिन्न स्थितियां, क्रेडिट जो है उसकी कौन कौन सी दो स्थिति है, मतलब कि एक तरीके से साख जो होता है वो किस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से काम करता है, कभी यह बहुत अच्छा भी हो सकता है लोन या क्रेडिट, और कभी कभी जो होता है ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं भी रहता है। तो आइए इन उदाहरणों के द्वारा आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में से ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऐसा बहुत बार होता है, कभी मान लीजिए आप अपने कोई दोस्तों से ही पैसा उधार लेते हैं, या फिर कहीं किसी दुकानदार से पैसा उधार लेते हैं, कुछ वस्तुएं उधार ले लेते हैं कि मुझे आज मेरे पास इन वस्तुओं के लिए पैसा नहीं है, मैं आपको कुछ दिन बाद दे दूंगा। इसी तरीके से आप कभी कभी आपको पैसे की आवश्यकता होती है तो अपने दोस्त के पास जाते हैं कि मुझे अब इतना पैसा दे दो, जब मेरे पास आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो इस प्रकार से जो होता है हमारे रोजमर्रा के जीवन में अगर हम देखें तो किसी ना किसी रूप में उधार या ऋण चलता रहता है। ऋण से अब हम अगर हम क्रेडिट की डेफिनेशन को देखते हैं कि साख किसे कहते हैं, तो देखिए ऋण या उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु या सेवा मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। तो एक ये भी होता है कि ये जो ऋण होता है, जो उधार होता है, वो एक तरीके से दो लोगों के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि एक पक्ष ये बोलता है कि ये सारी चीजें जो होता है वो मतलब धन, वस्तुएं, सेवाएं जो होता है वो उनको देता है, और उसके बदले में क्या बोलता है कि वो जो होता है कि हम इस चीजों को भविष्य में एक एग्रीमेंट के तहत जो होता है हम एक निश्चित समय तक जो होता है इसका भुगतान कर देंगे। अब हम दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि क्रेडिट या ऋण की क्या भूमिका होती है। पहला हम उदाहरण लेते हैं त्यौहार का मौसम। अब से मतलब एक उदाहरण है कि 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और एक बहुत बड़ा जो है जूता, एक जूता निर्माता है, एक जूता का निर्माण करता है सलीम, उसके पास शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जो है जूते की मांग आती है कि वो 3,000 जोड़ी जूते बनाए, जिसे उसे 1 महीने के अंतर्गत पूरा करना है। 1 महीने में उसे 3,000 जोड़ी जूते बनाकर देना है, ये उसके पास ऑर्डर आया है किसके पास? सलीम के पास, जो कि एक जूता निर्माता है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए, अब देखो सलीम को किस किस चीजों की आवश्यकता है हम समझेंगे। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए
अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसे काम करना है, एक टाइम उसको दिया गया कि उसे 1 महीने में ही बनाना है। तो अब उसको अपने प्रोडक्शन के लिए जो होता है उसको स्टिचिंग करने के लिए, उसको पेस्टिंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है मजदूर की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ उसको कुछ रॉ मटेरियल या कच्चा माल भी खरीदने की जरूरत है। तो इन सब के लिए, इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम क्या होता है, दो तरीकों से लोन लेता है या ऋण लेता है। पहला, वो चमड़ा व्यापारी को, जो चमड़ा व्यापारी है, जो लेदर का जो व्यापारी होता है, उसको वो बोलता है कि चमड़ा जो है वो अभी दे दे और बाद में जो है भुगतान वो उसको कर देगा, ये उसको वादा कर देता है। तो उससे वो चमड़ा प्राप्त कर लेता है और बोलता है कि मैं अभी बाद में इसका भुगतान कर दूंगा। दूसरा, वो क्या करता है कि वो जो बड़े व्यापारी जिसने कि उसको ये ऑर्डर दिया है, उससे 1,000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज ले लेता है। मतलब एक वो ये बोलता है कि मुझे 1,000 जूतों का पहले ही पेमेंट कर दीजिए, अग्रिम पेमेंट कर दीजिए, और मैं महीने के लास्ट में जो होता है उसे पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो महीना खत्म होने से पहले ऑर्डर पहुंचाने का वो वादा कर देता है। इस तरीके से दो तरीके से वो कार्य करता है, दो तरीके से वो ऋण लेता है। महीने के आखिरी में क्या होता है कि सलीम जूते को पहुंचाने में कामयाब होता है, जो ऑर्डर होता है उसको फुलफिल कर देता है, उसको पूरा कर देता है, और इसके साथ साथ उसको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो जिससे वो उधार लिए गए धन को जो है चुका देता है, और इस तरह से लोन फ्री भी हो जाता है, खुद भी प्रॉफिट कमा लेता है, और जो उसका टारगेट होता है उसे भी अचीव कर लेता है। तो सलीम जो होता है उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी, एक जो वर्किंग कैपिटल की उसको जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन के लिए, उसे वो कैसे पूरा करता है, लोन लेके पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। और हमने देखा कि ये जो लोन लिया है सलीम, जिस तरीके से वो उसके प्रोडक्शन को सही समय पर पूरा करने में भी हेल्प करा, और इससे उसको इनकम भी हुई, इससे उसकी कमाई भी बढ़ गई। तो इस प्रकार से ऋण जो होता है वो बहुत ही एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था किसके, सलीम के लिए। तो इस प्रकार से ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका भी अदा करता है। इस सिचुएशन में ऋण ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया। अब हम एक दूसरी उदाहरण को देखेंगे, वो थी सपना स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है, और वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को, वो जो होता है इसके लिए जो होता है कुछ कर्ज लेती है, तो वो कर्ज को अदा कर देगी, और इसी के लिए जो होता है वो खेती के खर्च, जो भी खर्च होते हैं उसके लिए साहूकार से लोन ले लेती है, क्योंकि उसको मूंगफली का उत्पादन करना होता है, तो उसको बहुत सारी चीजों की, सीड्स की और ये सारी चीजें उगाने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है। तो वो साहूकार के पास जाके लोन ले लेती है, और वो इस आशा से लोन लेती है कि जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी उसको बेच के जो मुनाफा मिलेगा उससे जो होता है वह लोन को चुका देगी। अब फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन जो होता है जो कीटनाशक वगैरह या के होने के कारण, छिड़काव वगैरह होने के कारण क्या होता है कि फसल जो होता है वो उसकी जो स्वप्ना की फसल थी वो बर्बाद हो गई। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़काती है, पर इसके बावजूद भी उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हुआ, क्योंकि उसकी फसल जो है वो चौपट हो गई, उसे किसी भी प्रकार की उसकी फसल जब उगाई उगी ही नहीं, तो उसको बाजार में बेच ही नहीं पाई, बेच नहीं पाई तो उसे मुनाफा नहीं हुआ। तो अब जो होता है, जो उसने लोन लिया था वो साहूकार का कर्ज, जो उसका जो लोन था उसको लौटाने में असफल रही, और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। तो अब जो होता है वो बहुत बड़ी रकम बन गया, अब उसे कैसे चुकाए अगले साल। अब पहले साल का पहले ही लोन है, अगले साल क्या होता है, स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है, दोबारा लोन लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है और वो इतनी लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। मतलब वो इस साल का जो लोन लेती है वो तो चुका देती है, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, मुनाफा नहीं होता है कि वो जो पुराना कर्ज है उसको भी वापस कर सके। तो इस प्रकार से क्या होती है कि लोन फ्री नहीं हो पाती है, वो कर्ज में फंस जाती है, और उसे कर्ज को चुकाने के लिए अब क्या करना पड़ता है, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उसको बेचना पड़ता है साहूकार को। ग्रामीण क्षेत्र में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाई, पानी, बिजली, ऐसे बहुत सारे उपकरणों की जो होता है मरम्मत इत्यादि पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, और इन सब आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है, इतना टाइम जो होता है वो लगता है। आम तौर से किसान
ऋतु के मतलब कोई भी एक सीजन के प्रारंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद उसको वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्य रूप से फसल की कमाई पर निर्भर करती है। अगर फसल अच्छे से बिक जाती है तो वो उधार चुक जाता है, नहीं होती है तो नहीं चुक पाता है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति अब और ज्यादा बदतर कर दी थी, खराब कर दी थी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। मतलब एक बार बोलते हैं, अगर एक बार किसान जो होता है इस तरीके से कर्ज में फंसता है तो उसे निकल नहीं पाता है। इस मामले में ऋण जो था वो कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना बहुत कष्टदायक होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। एक स्थिति में आय बढ़ाने में, देखो अब क्या हो रहा है, ऋण के आप दो तरीके के आप रूप देख रहे हैं। एक में लोन लेने से आपकी इनकम बढ़ रही है, उस व्यक्ति का प्रोडक्शन अच्छे से हुआ, उसने अपना सब कुछ, जैसे कि सलीम के केस में हुआ, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला तो अब उसकी स्थिति जो होता है पहले से अच्छी हो गई। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जैसे कि स्वप्ना की हुई। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का हिस्सा तक बेचना पड़ा, मतलब उसके पास जितनी जमीन थी वो और जो तो जमीन कम हो गई। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में और ज्यादा खराब हो गई। तो अब जो होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि ऋण उपयोगी होगा या नहीं होगा, यह इस सिचुएशन, इस परिस्थिति या परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है कि कितना ज्यादा जो होता है इसमें लॉस है और कितना ज्यादा इसमें खतरा है। और अगर लॉस है तो उसमें आपको अगर सपोर्ट है क्या, अगर आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है क्या, इन सब चीजों पर भी जो होता है लोन जो है वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से किसी के लिए जो होता है लोन वो अच्छा हो भी हो सकता है और किसी के लिए जो होता है वो लोन जो होता है ऐसा भी होता है जिसकी वजह से उसकी स्थिति और ज्यादा खराब भी हो जाती है। So what did we learn today? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो सबसे पहले आज हमने लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, मतलब बैंकों की ऋण संबंधी जो गतिविधियां है उसे समझने का प्रयास किया, और साख की जो जो क्रेडिट होती है उसकी दो विभिन्न स्थितियों को समझा, कि एक तरीके से जो होता है जिस प्रकार से हम उदाहरण के द्वारा ये समझे कि सलीम ने जब लोन को लिया और उसने लोन को इस तरीके से यूज किया कि उससे लोन से उसने लोन को चुका भी दिया और लोन से उसको टारगेट भी उसका अचीव हो गया, उसका प्रोडक्शन भी पूरा हो गया और उसे प्रॉफिट भी मिला। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि स्वप्ना ने जो लोन लिया, चूंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वो लोन में फंसती ही चली गई और उसकी स्थिति लोन लेने के कारण पहले से और ज्यादा खराब हो गई।